Okay, boys and girls, welcome and welcome to what? CA Foundation. So, welcome for CA Foundation. मेरा भरोसा मानिए कि इंस्टीट्यूट ने ICI ने जो सबसे अच्छा काम किया है वो है फाउंडेशन रीइंट्रोड्यूस कर जिन दिनों में मैं CA किया करता था उन दिनों में CA फाउंडेशन ही हुआ करता था एंड अगेन नाउ दे हैव रीस्टार्टेड विद द CA फाउंडेशन. व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन CA फाउंडेशन और CACPT? CA फाउंडेशन इज रिटन एग्जाम, थेरी एग्जाम, और वही CPT कैसा था? MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत थी कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका अकाउंटिंग जो सिखाना है वो अकाउंटिंग सिखाने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, बिकॉज जर्नल एंट्री कैसे पास करना है ये सब चीजों में दिक्कत होती थी. वहां पर एक मार्क के 60 क्वेश्चन आया करते थे, अब यहां पर एक मार्क के क्वेश्चन नहीं है, यहां पर पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 16 मार्क का क्वेश्चन आएगा. तो उस वजह से जाहिर सी बात है आपको अकाउंटिंग क्या है उसकी रूह को पहचानने को मिलेगा, उसको फील करने का मौका मिलेगा. इज दैट ओके? तो CA फाउंडेशन वेरी लकी, वेरी वेरी लकी आई मस्ट से दैट यू गॉट अ चांस टू लर्न दिस सच ब्यूटीफुल थिंग. ऑलराइट, फॉर मी इट्स लाइक हेवन. अकाउंट्स इज लाइक हेवन. मजा आता है कि जब अकाउंट्स को डील करते तो माहौल अलग बनता है. ठीक है, तो अब अगली स्टेप पे चलते. मैं कौन हूं? तो आई एम CA आनंद भंगड़िया. इज दैट ओके? बाकी मैं ज़्यादा भरोसा नहीं रखता अपने बारे में, और कुछ बोलूँ करूँ, जैसे जैसे समय मिलेगा और बताते रहूँगा जब ज़रूरत पड़ेगी. आज के लिए आपको इतना काफ़ी है कि आपकी फैकल्टी CA है और मेरे नाम से ज़्यादा लेट्स सी काम क्या बोलता है. सो कैन वी डायरेक्टली स्टार्ट विथ आर सेशन? ऑलराइट, यप, हियर वी गो. सो सेशन में फर्स्ट चीज़ मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या है. इंट्रोडक्शन टू द सिलेबस. ओके, सो अपनी अपनी बुक ओपन कीजिए. प्लीज ओपन अप योर बुक एंड राइट डाउन अलॉन्ग विथ मी आपका सिलेबस क्या क्या है. आपके सिलेबस को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है. आई हैव डिवाइडेड योर सिलेबस इनटू 5 डिफरेंट पॉइंट्स विच इज योर एकेडमिक सिलेबस. ऑलराइट, सो ये रहा. फर्स्ट है टाइट योर शूज फॉर द बेसिक्स. So for your basics, I am going to teach you all what is the theoretical framework and what is the accounting process. Is that okay? Theoretical framework or accounting process. एक बार लिख कर ले लो, फिर मैं समझाता हूँ इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे. हाँ हाँ, क्या हो बेटा? ये लिखा है ना, टाइट योर शू फॉर बेसिक्स. ये सिलेबस नहीं है ना, लाइक ये मैंने नाम दिया है, चालू हो जाएंगे पुट्टे. ये सिलेबस का पार्ट नहीं, सिलेबस में ये दो टॉपिक है, ये बेसिक टॉपिक्स है, या नहीं चाहिए. राइट, कितने बच्चे कॉमर्स है? 11th 12th कॉमर्स. कितने बच्चे साइंस है? वाह, लवली, मुझे बहुत मजा आता है. एक्चुअली मेरे अंडर में कुछ इंजीनियर हुए लोग भी CA बने हैं. बेफिक्र रही है, तुम बहुत लकी हो जो साइंस बैकग्राउंड से आए हो. टेक माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, बहुत ज़्यादा लकी हो कि आप साइंस बैकग्राउंड से आए हो, क्योंकि अब मुझे मौका मिलता है कि आपको जीरो से ग्रूम करूं. मेरे पास पूरा ऑप्शन मिल गया, वो पूरा जीरो से ग्रूम करना, क्योंकि कई बार गलत अकाउंटिंग सीखकर बच्चा आ जाता है. तो इसलिए यू आर डैम लकी कि तुम्हें कुछ नहीं आता. मेरा भरोसा मानो कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से भी हो तो भी मैं उठा लूंगा. सेकेंड चीज़, अगर आपका मराठी बैकग्राउंड था तो भी चिंता का कोई विषय नहीं है. अगर आपको समझ में नहीं आया, बिंदास होके मुझे क्वेश्चन पूछ लेना. ये बेसिक टॉपिक है. इस बेसिक टॉपिक्स में होता ऐसा है, जैसे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, तो जैसे भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके तहत सारे लॉज बनते हैं, बराबर है कि नहीं है? वैसे ही थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में जो भी हम अकाउंट्स में चीजें यूज करते, सिर्फ 7 है, ओनली 7 थिंग्स: असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, डेबिट, क्रेडिट. कितनी चीजें हो गई? 7. इन 7 चीजों का मीनिंग क्या है इस फ्रेमवर्क में बताया गया, ताकि जब आगे कहीं पर भी कोई डिस्कशन होगा तो इन 7 चीजों का मीनिंग क्या है पता चलेगा, और उसको करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होते हैं वो. तो यहां पर मैं आपको सिर्फ डेफिनेशंस के बारे में बात करूंगा, बट मैं डेफिनेशंस आपको रटवाऊंगा नहीं, कुछ नहीं. हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि रियल लाइफ में क्या होता है और इसको ये नाम क्यों दिया जाता है. कॉमन सेंस यूज करेंगे. एग्रीड?
क्योंकि अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द डे शुड बी कॉमन सेंस, राइट। अब जैसे साइंस बैकग्राउंड से गुड़िया आप हो, नहीं आप हो गुड़िया, राइट, तुम मुझे बता, तूने किसी को पैसे दिए 10,000 रुपए, तो तू क्या लिखती है, क्या लिखती है? तूने किसी को 10,000 रुपए दिए और तुझे हिसाब बनाने के लिए बोला, पापा ने बोला हिसाब मेंटेन करना बेटा, तो क्या ना क्या लिखेगी वहां पे? आपका नाम क्या है? प्रीति। प्रीति ने आनंद भांगड़िया को 10,000 रुपए दिए, राइट, तो क्या लिखेगी? कुछ तो लिखेगी ना, क्या लिखेगी? आनंद भांगड़ी को पैसे दिए तो क्या लिखेगी? ओके, आई लास्ट समबडी एल्स, और कौन सा आंसर था? यस, आप क्या लिखो? सोचो, बस मेरा नाम और अमाउंट, इस व्यक्ति से पैसा आना है, बराबर है। अब मैं तुझे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं वापस। तुमने आनंद भांगड़िया को ही पैसे दिए वापस, बट इस बार दिए 200 रुपए, बट तुम आए मेरे पास, पाव भाजी खाए और 200 रुपए दिए। मैं पाव भाजी भी बेचता हूं इवनिंग में, थोड़ा सा ठेला लगाता हूं, बहुत अच्छी बनाता हूं, आके खा के देखियो सर, 200 रुपए में पाव भाजी बेचता हूं। अब यही बंदा, आपका नाम सर? अय्याज। अय्याज साहब आए मेरे पास, बैठे, पाव भाजी खाए, 200 रुपए की सरकार। मेरा आपसे वापस प्रश्न है कि अब मुझे 200 रुपए दिए, अब तुम हिसाब में लिखोगे तो क्या लिखोगे? बाकी के बच्चे अगर बताना चाहे तो क्या लिखेंगे? आवाज नहीं आ रही यार, झूठी बात, झूठी बात, ये गलत है। मैंने तो अकाउंट्स को सिखाया नहीं, एंट्री नहीं पूछी, मैं पूछ रहा हूं हिसाब लिख रहे हो क्या लिखोगे? मतलब तू पापा को हिसाब देती तब ऐसे लिखती आनंद भांगड़ी? अच्छा चल ठीक है, उठ 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 उठ, ठीक है निकल, ये थोड़ा सा जगह दे भाई, प्लीज प्लीज। गुड़िया तेरा नाम क्या है? राशि। राशि को कवर कर रहे, राशि उठो, वहां पर एक शॉप है, वहां से चॉकलेट लेके आओ, जाओ 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 जाओ, चाहिए तो संतोष पैसे दे दे इसको, वहां से एक चॉकलेट लेके आओ, जल्दी से आ जाना चाहिए, अगले 2 मिनट में यहां पर चाहिए तो मेरे को ऑफिस। राशि जा, ये भी चॉकलेट लेके आएगी, तुमको कॉमन सेंस डेवलप कर रहा हूं मैं। राशि जाएगी, चॉकलेट लेके आएगी और हम देखेंगे। राशि जल्दी से जा, वो चॉकलेट लेके आ, ठीक है, तुमको प्रूव करूंगा मैं कि ट्रांजैक्शन कैसे होती है। हाँ पैसे देना संतोष, बोला ना तेरे को, वो देगा पैसा, तू लेके आ चॉकलेट, ठीक है। हाँ हाँ जा जा उसके साथ, जा और लेके आ। अब मेरी बात सुन गए आप कि राशि तो गई है, चॉकलेट लेके आएगी, ठीक है। तो एक जगह पे तुमने बोला कि अगर आप मेरे को 10,000 रुपए दोगे तो आनंद भांगड़िया का नाम लिखोगे, और एक जगह पे आप पैसे दोगे तो क्या लिखना है अभी तक क्लियर नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या एक आजमा, एक कॉमन सेंस वाली चीज, उसको उठाया, उसको बोला जा भाई चॉकलेट लेके आ, वो चॉकलेट लेके आएगी, वो फिर हम पूछेंगे अब क्या लिखेगी। तो तुम्हें क्या लगता है क्या लिखेगी अभी? चॉकलेट लेके आएगी राशि, क्या लिखेगी? आवाज नहीं आ रही है। तो मतलब तुम ये बताओ कि हम कोई भी शॉप में जाते हैं तो उस व्यक्ति को उसका नाम पूछते हैं, सर आपका नाम बताओ मुझे नाम लिखना है। तुम रिक्शा में बैठ के कहीं घूम के आते हो तो रिक्शा वाले का नाम पूछते हो, सर बताओ ना मेरे को हिसाब में लिखना है तुम्हारा नाम। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्या बता रहे हो? सीधा काम बता देंगे, सीधा एक्सपेंस। मतलब बेटा जब किसी व्यक्ति को हम पैसा देते हैं और उससे दोबारा वापिस आना होता है तब उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। जैसे तू मेरे से पैसा 10,000 वापिस वसूल करेगा तो तू मेरा नाम लिखता है, बट अगर तूने मुझे 200 रुपए पाव भाजी के दिए, खा गया गट्टम्मा अंदर, तो 200 रुपए तूने मुझे जो दिए वो एक्सपेंस के तौर पर दिए, तेरा एक्सपेंस है, तो क्या तुम्हें मैं तुझे वापिस देने वाला हूं क्या? वो नहीं। तो बेटा उस केस में ये लिखेगा पाव भाजी या ट्रीट या कोई भी रेस्टोरेंट एक्सपेंस, ऐसा वो मेरा नाम नहीं पूछेगा। समझ में आ रहा? चलो राशि आ गई, राशि चॉकलेट लेके आ गई, वेरी गुड, कवर कीजिए संतोष जी वापिस राशि जी को, और राशि जी को पूछते, राशि जी अब बताइए जहां से आप चॉकलेट लेके आई थी उस व्यक्ति का नाम क्या है? ऐसे कैसे नहीं पता? जब मेरे से पाव भाजी खा रही थी तब तो आनंद भांगड़िया टू कैश कर रही थी, अभी तो नाम बताया तो नाम पूछ के आना था, एंट्री करनी है तो अभी क्यों पलट रही है? तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? तो व्यवहार ही हम ऐसा करते बेटा, समझ में आ गई तुझे बात? नहीं नहीं तू खा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब 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 बात समझ में आ रही क्या? जब आप किसी को पैसे देते हो उधार में तो उस व्यक्ति का नाम आता है, जब आप पैसे को व्यक्ति को पैसा देते हो उधार में नहीं खर्चे के तौर पर तो व्यक्ति का नाम नहीं आता, खर्चे का नाम आता है। एम आई कम्युनिकेटिंग? तो मैं तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग कराऊंगा कि कब क्या वर्ड यूज करना, और उसके लिए रट्टा कोई नहीं मारेगा, सिर्फ कॉमन सेंस लगाएगा, और मेरे सिखाने का तरीका यही है, मैं प्रैक्टिकली सिखा दूंगा इधर। आगे बात धन में। ऑलराइट, सो वी हैव डन विद वन
कि थेरोटिकल फ्रेमवर्क में किसका मीनिंग क्या है ये समझना है, और उस मीनिंग के बाद में उसको एक प्रोसेस में ढालना है।